नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के उपस्थिति में सिरमौर के रेस्ट हाउस में जिला के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों के मौजूदगी में बैठक की गई, जिसमें टिकट कटवाने को लेकर राम मसवीरा और आगामी चुनाव में पार्टी कैसे जीत हासिल करे चर्चा की गई। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम आगामी चुनाव तभी जीत सकते हैं जब सभी मिलकर प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करें। आपसी खींचातानी और भेदभाव को मिटाना होगा। टिकट मिलने पर प्रत्याशी का विरोध किया जाता है जो हार का कारण बनता है। इस बार सभी मिलकर कार्य करें। आज बैठक का उद्देश्य क्या रहा? आप मंडला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर? धन्यवाद विराट चैनल को, आपको, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी आज आए थे। उनका दौरा हमारे रीवा जिले की प्रत्येक सीटों में है, सिमरिया से सिरमौर आए, और ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसमें पूरे सिरमौर विधानसभा के लोगों को आमंत्रित किया गया था आए। जैसा कि भी हमारे आदरणीय सत्यवंत सिंह जी जो सिरमौर ब्लॉक के पर्यवेक्षक, उनने आपसे बताया कि नाम लेकर के यहाँ से वो गए हैं, इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन प्रत्याशी हैं, और उन नामों को वो आदरणीय कमलनाथ जी को सौंपेंगे और कमलनाथ जी उन नामों में पुनः सर्वर कराने का काम करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किया, उसी हिसाब से हमारे कमलनाथ जी ने हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन 26 जनवरी से शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के लोग, हमारे डभौरा ब्लॉक के आदरणीय अध्यक्ष अरुण सिंह पिंटू जी हैं, जवा के हमारे आदरणीय धनेंद्र पांडे जी हैं, और कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक ब्लॉक में इसी तरह का पर्यवेक्षक बनाया है जैसे कि हमारे आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी को बनाया गया है। 2 महीने कंटिन्यू कांग्रेस का एक एक सिपाही एक एक घर में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरुद्ध जन विरोधी नीतियों को जनता से अवगत कराएगा और कोशिश करेगा कि जो हमारे 15 महीने के अंदर हमारी जो सरकार थी, कमलनाथ जी ने जो योजनाएं दिया था, उन योजनाओं को इन लोगों ने बंद किया है। क्यों बंद किया? हमारी जो पुरानी घोषणाएं हैं उसमें हम कायम हैं, और 2023 के चुनाव में हम लोग विश्वास करते हैं कि हमारा कांग्रेस का एक एक सिपाही बहुत दुखी हो चुका है, क्षेत्र की जनता दुखी है, और इस सरकार को, तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद, जय। अगर हमको का जैसे हमको सिरमौर का काम दिया गया है, मैं सिरमौर में मैं पर्यवेक्षक हूँ तो, और मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, उस नाते मैं तो 100% मुझे चुनाव तो लड़ना नहीं है, मैं आपके उसमें बोल रहा हूँ, लेकिन सही चयन करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, सबसे मिल के, सब भाई से, सब परिवार से, सब घर घर जा करके मिल करके, जैसे हमारे साथ सिद्धनाथ भाई हैं, आप हैं, सब लोग हैं, सब लोग से मिल के हमारा आपसे भी निवेदन है, सबसे एक मत होकर के एक नाम दिया जाए जो जीत सके। किसी का रिश्तेदार, कोई जाति पात, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्यों इसी से हम हारते हैं। हमको जीतने के लिए सबसे बड़ा एकता होना चाहिए। जो रीवा आज हम महापौर जीते हैं उसका सबसे बड़ा मुद्दा था, राहुल भैया जब आए तो उन्होंने एक ही बात बोला कि सब लोग इकट्ठा होकर के मिलकर चुनाव लड़िए, तब चुनाव जीत जाएंगे। वही मुद्दा काम किया, वही फार्मूला काम किया और हमारा मेयर बना। और सबसे बड़ी बात हमें ये भी दिख रही है, यहाँ जब तक बदलाव होता है, काम करने वाले 18 साल से 30-35 साल के लगे रहते हैं, यहाँ बहुत कम नजर आ रहे हैं, पुराने जाते हैं। ये मूल कारण है। अगर कारण क्या, हम लोग घर में नहीं जा सकते, बच्चे हैं, महिलाओं के घर जाएंगे, पेरेंट्स होंगे, अम्मा दादी चाची बहन जी पर लाके पकड़ होंगे बोल रहे वाले। हम लोग अपने उम्र के लिहाज से, अपने परंपरा के, हर घर में हम लोग अंदर नहीं जा सकते, तो ये भी कमजोरी जो है दिख रही है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। चुनाव
ये एक बहुत बड़ी बाधक है जीत रहे हैं। तो हमारा कहना है कि वह कांग्रेस के जो लोग पदाधिकारी हैं, सेवा दल के हैं, पहला कांग्रेस के लोग हैं, पहला उनको भी आगे करो। और हम अगर हैं 3 साल से आ रहे हैं तो आखिर हमें प्रचार तो करना चाहिए। हम तो केवल जानकारी लेने आए, मिलने जुलने आए। अब जितने उम्मीदवार हैं उनका नाम मिल जाएगा, कमलनाथ जी को देंगे, वो सर्वे कराएंगे और उनका तो तय सर्वे में जो आता है उसको मानते हैं, बाकी किसी से बड़ा तो मानते नहीं है। नगर निगम के चुनाव में हमने देख लिया, पूरे कार्यकर्ता एक तरफ, सर्वे एक तरफ। आपसे जानना चाहेंगे कि आज सिरमौर विधानसभा में विश्राम गृह में एक बैठक आहूत की गई जिसमें गोविंद सिंह जी नेता प्रमुख छाए हुए। बैठक का क्या उद्देश्य रहा, क्या उन्होंने कुछ कहा, चूँकि आज बहुत सारे कार्यकर्ता, नेता के सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, क्या था बैठक में? बैठक में ये था कि जब चुनाव का समय आता है तब बहुत प्रत्याशी हो जाते हैं, तो उनका बैठक में यही कहना है कि जो यहाँ कार्यकर्ता है, जो काम करता है, सारे कार्यकर्ता मिलके कोई चयन करें कि टिकट किसको देना चाहिए। तो अभी कमलनाथ जी के पास ये सर्वे रिपोर्ट जाएगी, जो लोग नाम देंगे उनका सर्वे होगा व्यक्तिगत रूप से। जैसे कि जो सर्वेक्षण में हैं लोग, उनका यही कहना है कि जो जो लोग प्रत्याशी हैं उनको नाम दे दें, चाहे 20 प्रत्याशी हों, चाहे 10 हों, चाहे 5 हों, वो प्रत्याशियों की लिस्ट जाएगी कमलनाथ जी के पास, वहाँ से सर्वे होगा कि ये प्रत्याशी की स्थिति वहाँ क्या है। सर्वे कौन करेगा, जनता करेगी, जनता रिपोर्ट देगी कि इस प्रत्याशी की छवि कैसी है, ये प्रत्याशी क्या करता है जनता के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सिरमौर कांग्रेस हारती क्यों,